अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। मैं आज आपको जी अपने परवाजी कबूतर दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले मेरे हाथ में जो है ये 49 नंबर जो मेरा पेयर है उसका बच्चा है और ये मादी है और ये चूहे कबूतरों के नज़दीक तरीन है और माशाल्लाह इसकी जो बहुत अच्छी परवाजें हैं, शाम तक की परवाजें इसने दी हुई हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपको इसका शो करवाता हूँ। ये सबसे पहले आप जी इसकी आँख देख लें, ये इसकी आँख है, काली आंखों के अंदर है, काली नहीं बस बंद आंखों के नज़दीक तरीन है। दरअसल ये चूहे कबूतरों के अंदर से जो है ये निकली हुई जो है मादी है, ठीक है। इसकी आंख एक साइड की, दूसरी साइड की भी सेम आंख, और ये इसके पर हैं, पर देखिएगा आप। इसके माँ बाप भी मैं आपको दिखाऊंगा जी मेरे घर में जो पड़े हुए, ये इसका पर है, पर आप देखिएगा, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। आखिरी ख़ास तौर पर जो आखिरी जो है ना चार पर, वो उनके ऊपर गौर कीजिएगा जो दिखाने वाले हैं ना, ये देखिएगा, ये मैं साथ में ला दी, ये देखिएगा, परों की चौड़ाई देख लें, परों की लेंथ देख लें और ये देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे माशाल्लाह इस टाइम तो फुल जो है कबूतरी बनी हुई है, प्रवास के अंदर है क्योंकि। और ये इसका दूसरी साइड का कुंदा, ये देखें, वही जो चूहे कबूतरों में आते हैं, कलियाँ काली, ये देखने काली कली आ रही है, यहाँ से वहाँ से भी आ रही है, ये देखिएगा बड़ा शानदार रिजल्ट। और ये इसकी टेल बन टेल के अंदर है, टेल आपको मैं खोल के भी दिखाता हूँ, ये देखें लंगोटे हैं टेल के अंदर से, लंगोट सारी आई हुई है टेल के अंदर। पंजे मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये आप पंजे देख लीजिएगा, खुश्क पंजे, ठीक है। ये देख लें, ये जोड़ा नंबर वाली कड़ी 49, ये देख लें 49, और ये मोबाइल नंबर वाली कड़ी डली हुई है इसको। और हड्डी जो है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी और जोड़ बंद, और वज़न इसका इस टाइम ना होने के बराबर है क्योंकि प्रवास के अंदर है, अपनी बनतर के अंदर पूरी मादी है माशाल्लाह से। और बाकी आपको मैं अगला पीस ला के दिखाता हूँ, अगला परवाजी कबूतर दिखाता हूँ, वो देखिएगा, ये माशाल्लाह से लाखी परवाजी मादी है और इसकी माँ जो है लाखी है और बाप इसका जो है वो नीलनुमा कबूतर है, ठीक है। तो ये देखिएगा आप, इसकी आँख देखिएगा, आँख इनकी बाप के ऊपर गई हुई है, रंग इसने माँ से लिया, ये इसकी आँख है, हाथ में वो टिक नहीं रही, और ये आँख देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी रोशन आँख है, बड़ी अच्छी माशाल्लाह से परवाजें दे रही है ये भी, ठीक है। लाल सीरी मादी है और ये इसके पर, हाथ में इतनी जान के अंदर है, बहुत ज़्यादा तंग हो रही है, ये देखिए, ये इसके पर देखिए, और बहुत जान लगा रही है, बहुत तंग हो रही है, नौवीं दसवीं इसकी बराबर है और आठवीं दोनों से थोड़ी छोटी है। ये एक साइड का कुंदा और फुल इस टाइम ये भी बनी हुई है माशाल्लाह से, ये दूसरी साइड का कुंदा, तेल तंग कर, तेल तो बंद है पर हाथों में इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है मादी, प्रवास के अंदर मादी, मैं नहीं चाहता ख़राब हो। ये इसको जो है जोड़ा नंबर वाली कड़ी 92 नंबर 92, और ये मोबाइल नंबर वाली जो है कड़ी डली हुई है। हड्डी इसकी भी ठीक है, जोड़ जो है इस मादी के भी बंद जोड़, ये मादी है जी ठीक हो गया, ये 92 नंबर। मैं आपको एक और परवाजी कबूतर अपना जो है वो ला के दिखाता हूँ वो कैसा है। लें जी ये 99 नंबर जो है वो आ गया, और इसकी परवाजें भी आपके साथ मैंने शेयर की हैं, माशाल्लाह अच्छा उड़ के बैठती है, 2 2.5 3 यहाँ तक इसकी परवाज है। इसकी आप आँख देख लें, आँख की रोशनी देखें, चमक देख लें, और पीली पलकों के अंदर है, ठीक है। आँख के रिंग देख लें, गोल्डन में से निकली हुई है, ये इसका पर है, पर देखिएगा, आखिरी देख लें, आखिरी जो है ना पांच कलियां सुनहरी कलर की हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे एक साइड का, और ये सेम उसी तरह से जो है दूसरी साइड का कुंदा, सेम वही, और ये इसकी टेल है, बन टेल पूरी बनतर में आए हुए हैं कबूतर इस टाइम तो, और इसकी जान ज़्यादा है जी माशाल्लाह, पूरी जान के अंदर है। ये इसके पंजे और ये इसको 99 नंबर की जो है वो कड़ी डली हुई है, ठीक है। ये मादी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी परवाजी, इसके भी हड्डी, ये है जी ये 79 नंबर, अच्छा, और टक टक की आवाज़ें आ रही हैं इसके अंदर से। और तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस जो जोड़े की जो पट्टियाँ निकलती हैं उनका कलर बाप पे चला जाता है, और जो पट्ठे निकलते हैं उसका कलर माँ पे चला जाता है, और ये डिटो जो है ना ये बाप वाला कलर है। आपने मेरा पेयर देखा ही हुआ है 79 नंबर, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ये इसकी आँख है जी, आँख देख लें,
माशाल्लाह की रोशनी देख लें जी, इसकी बड़ी हिट परवाज़ है समाधि की। और ये इसके पर, ये देखिएगा, ये मेरा फेवरेट कुंदा लगा हुआ है इसको। छाप देखें कितनी खूबसूरत, पर देखिएगा क्या खूबसूरत पर निकले हैं इसके। ये एक साइड का कुंदा, ये जो है दूसरी साइड का कुंदा। टेल देख लें, बंद, बिल्कुल बंद टेल, माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये पेयर है अपना। और जोड़ इसके भी जो है बंद है, आवाज़ें आ रही है बहरहाल मादी के अंदर टक 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 की। ये 4 नंबर वाली कड़ी और ये 79 नंबर की कड़ी डली हुई है, ठीक है। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी परवाजें हैं इनकी। तो एक ये है, और इसका मोरा भी देख लें, मोरा भी इसका बहुत अच्छा, बाकी जो है कुंदे शुंदे बेहतरीन। और आपको मैं अगली जो है वो मादी ला के दिखाता हूँ। एक ये मादी है जी, और ये 26 नंबर मादी है, और इसकी जो है ना प्रवास का स्टाइल ये है, ये नीचे आती है ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी हिट्टे होती हैं, ये ऊपर नीचे जो है ना इसका ये सिलसिलाकार पूरा दिन ही चलता रहता है। ऐसा लगता है अभी बैठ जाएगी पर ये बैठती नहीं है, वहाँ से दोबारा ऊपर चली जाती है। इसकी आँख देख लें जी, आँख के ज़रात, आँख की रोशनी माशाल्लाह से देख लें कितनी है, आँख की फिटिंग देख लें बड़ी अच्छी। ये इसके पैर, ये भी हाथ में जो है डिस्टर्ब हो रही है, जार में है पूरी। ये इसके पैर देख लीजिएगा, एक साइड का कुंदा, ये इसका जो है दूसरी साइड का कुंदा सेम। टेल इसकी खुली हुई है थोड़ी सी, और हड्डी भी ठीक है, जोड़ इसके हल्के से खुले हुए वो कोई नहीं। ये इसके पंजे, और ये 26 नंबर की जो है कड़ी डली हुई है, सेकंड पाँव में जो है 4 नंबर वाली कड़ी, ठीक है। एक ये मादी है माशाल्लाह से बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और ये कसूरी जो है कांटे वाले कबूतर उनमें से निकली हुई है। अगली मादी ला के दिखाते। अच्छा जी, ये जी 51 नंबर जोंसरे जो हैं उनमें से निकली हुई है, और जोंसरी ही बनी है माशाल्लाह से। इसकी भी बहुत ही अच्छी परवाजें जा रही हैं, मतलब कि 7-8 घंटे जो है बड़े आराम से ये जो फिर के आ रही है, और बिल्कुल फिट बैठती है। अभी इसको उठाएंगे थोड़ा सा, ये इसकी आंख देख लें, आंख के तिल का झुकाव देखें जी, बिल्कुल कैसे चूंज की तरफ को गया हुआ है, और वाइट बेस है और बीच में लाल जरात है। ये इसके पर हैं बिल्कुल सफ़ेद, परों के अंदर कोई परों के अंदर जो है काला पर नहीं है। 10वीं बड़ी, फिर 9वीं, फिर 8वीं, ये इसके बॉडी का जो है पार का स्ट्रक्चर है। एक साइड का कुंदा, ये है इसका सेम दूसरी साइड का कुंदा, ये देखिएगा, ये कली काटी हुई है यहाँ से ऊपर से हमने, ये देख लीजिए। टेल बंद, और ये पंजे खुश्क पंजे, और ये देख लें जी 51 नंबर, ये इसके पंजे हैं, काले नाखूनों के अंदर है, डबल शेड में नहीं है, अच्छे अच्छे नाखून है। हड्डी भी ठीक है, और जोड़ भी इसके जो हैं बिल्कुल साथ मिले हैं, बंद हैं बिल्कुल बंतर के अंदर। ये भी मादी पूरी हमारी जो रेडी है। ये जी टैडी कबूतर है, जो कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा फिर रहा और पूरी जान के अंदर है, अभी तक ये बिल्कुल खाली भी नहीं हुआ, ना इसने अपना जिस्म छोड़ा ना वजूद छोड़ा। ये देख लें इसके ये कांटे माशाल्लाह से, उड़ने वाले टैडी इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये उड़ान वाला टैडी है जी, मत्था बल्ला देख लें, वाइट ये इसकी आंख है, काली नोक के अंदर, काली ही पलकों के अंदर, ये देखें ये इसकी आंख है, आंख देख लीजिएगा, आंख के रिंग देखी, आंख की जमीन देखी, आखिर में लाली हल्की हल्की आंख के अंदर देखे, कितनी अच्छी इसकी आंख के अंदर आखिर में लाली है, ये देख लें बारीक जो है पलकों के अंदर, ये देखें। और ये इसका कुंदा, बड़ी अच्छी बॉडी इसके अंदर बना हुआ है, ये इसका पूरा कुंदा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बगलों के अंदर, बड़ी बगल मेरे देख लें हाथ के ऊपर चढ़ी हुई है, बाकी पर देख लें, खासतौर पर आखिरी 4 परों के ऊपर गौर कीजिएगा किस तरह अंदर की तरफ को गए हुए हैं, और उनकी हाइट देख लें, उनकी लेंथ देख लें, उनकी चौड़ाई देखें और तरतीब देखें, वो अंदर की तरफ को कर्व हो रहे हैं सारे पर, ठीक है। 8वीं कली तक जो है बाहर को निकल रही है, फिर पर अंदर को आना शुरू हो गया। ये इसके परों की तरतीब है, एक साइड का
और ये है इसका दूसरी साइड का कुंदा, सेम वही कुंदा होगा, कुंदे में फर्क वाला कबूतर तो रखते ही नहीं है हम छत पे। ये दूसरी साइड का वही काली सिलाइयाँ आ रही हैं परों के अंदर, आखिरी तीनों यहाँ से भी वहाँ से भी, और वही जो आखिरी चार पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह की बड़ी बगल, वो बड़ा मजबूत जिस्म का ये टेल है, बंद टेल के अंदर है, और ये जो है बंद होता है उसके बाद फिर कोई 5 ही घंटे के बाद निकल आता है, फिर सामने रह के उड़ता रहता है, फिर जो है बस आके नीचे आराम से बैठ जाता है। ठीक है, हड्डी इसकी मुझे चुभ रही है बड़ी अच्छी, जोड़ इसके भी बंद है टाइट, अच्छे जोड़ है। और इसके पंजे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके पंजे हैं, कितने गहरे पंजे हैं, आप ये देख लें। ठीक है, ये देखें बहुत गहरे पंजे, खुश्क तरीन और गहरे, और सर जिस तरह जिस कबूतर उड़ना शुरू होता है तो गहरे पंजे, और बाकी इसके देख लें कितनी ज़्यादा गफ आई हुई है यहाँ पर सारी, पर ही पर अप्रैल कबूतर है, और अभी जो है इंशाल्लाह ये और ज़्यादा अच्छी प्रवास के अंदर आएगा वक्त के साथ साथ, अभी ये प्रवास जो है ना इसकी ऊपर ही जानी है दिन ब दिन। अभी ये दोपहर तक गया तो अब इसको शाम पे भी लेके आएंगे हम, अभी ये देख लें अभी पूरी बंतर में आ रहा है। ठीक है, अभी पूरा ये अंदर से खाली नहीं हुआ, जैसे ही खाली होगा तो फिर और अच्छी प्रवास में आ जाएगा। ठीक है जी, आपने बताना ज़रूर है आपको मेरे प्रवासी कबूतर कैसे लगे हैं, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।